तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर पार्ट वन के अंदर फाइव क्वेश्चंस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी चैप्टर फाइव लॉज ऑफ मोशन। तो सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं चलिए, और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल हैं हम लगातार कुछ इस तरह से। तो बात करें, अ बॉडी ऑफ मास, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास थ्री के, तो ये क्वेश्चन नंबर 5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.6 है ये। कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 केजी, एक ऑब्जेक्ट का मास 3 किलोग्राम है और इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, और ऐसा करने से इस फोर्स के अप्लाई करने से स्पीड में चेंज आया है, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड दी इनिशियल, और अब ये टेस्ट में भी दिया गया था क्वेश्चन, ये इनिशियल से कन्वर्ट होकर 3.5 मीटर पर सेकंड हो गई है। इस चेंज को लाने में हमने जो टाइम लिया, इस फोर्स से जो टाइम कंज्यूम किया वो टाइम 25 सेकंड है। तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो चीज फाइंड करनी है आप उसके बारे में सोचिए इस तरह से कि उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, तो किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करें कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। मास गिवन है ऑब्जेक्ट का 5 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है इसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड, फोर्स लगाने की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई है, बिल्कुल चेंज होती है वेलोसिटी, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो या तो स्पीड इंक्रीज होती है या स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती है, या फिर क्या चेंज होती है डायरेक्शन चेंज होती है, तीन काम कर सकता है फोर्स एक ऑब्जेक्ट की स्टेट में कि उसे उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है डिक्रीज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इस वक्त डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, यानी सिर्फ स्पीड में चेंज हुआ है, और हमें क्या फाइंड आउट करना था कि फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप बस ये सोचा करो कि जो चीज फाइंड आउट करनी है ना उसके लिए क्या फॉर्मूला है, और इसके लिए बताइए, ये तो चैप्टर ही इस बात पर है सारा का सारा, एफ का क्या फॉर्मूला लिखा जा सकता है बताइए, एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू तो 3 किलोग्राम है हमारे पास, यानी फाइंड क्या करना है हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। जब इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, तो फिर एक्सेलरेशन के लिए भी इक्वेशन लग सकती हैं, अब न्यूटन की इक्वेशन लगा सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम इक्वेशन लगा सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें वी फाइनल वेलोसिटी है और ये 3.5 है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ये 2 गिवन है, ए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हमें और टाइम 25 सेकंड गिवन है, तो 3.5 में से माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 25 ए, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 25, तो ये डेसिमल हटाने पर ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे 250 हो जाएगा, ऊपर 5 3 15 हो जाएगा, नीचे 5 25 होता, तो 3 अपॉन में 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गया एक्सेलरेशन, बिल्कुल डेसिमल में निकालने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वहीं से क्या किया जाए कि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू में एक्सेलरेशन, और मास की वैल्यू 3 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 3 अपॉन में 50 आया है, तो 3 की जा 9 डिवाइडेड बाय 50 न्यूटन का क्या लगा है फोर्स, और ये जो फोर्स लगा है हम इस फोर्स का आंसर नेगेटिव भी बता सकते हैं, तो हम इसका जो आंसर है सॉरी नेगेटिव नहीं होगा, ये वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी तो पॉजिटिव ही होगा, तो फोर्स की वैल्यू 9 अपॉन में 50 न्यूटन, और डायरेक्शन पूछी थी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन,
तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई किया गया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इस फोर्स के अप्लाई करने से स्पीड क्या हुई है, इंक्रीज। तो बहुत ही आसान सा ये न्यूमेरिकल था। और इस न्यूमेरिकल को किस तरह से समझा आपने कि मास की वैल्यू गिवन थी और ऐसा कहा कि जब फोर्स अप्लाई है कॉन्स्टेंट फोर्स था, कैसा फोर्स था ये, कॉन्स्टेंट फोर्स था, तो सीधा फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, एम वी। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है 25 सेकंड, तो हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से फॉर्मूला लगा दिया एफ इज इक्वल टू एम वी। इजी क्वेश्चन था, आसान था बिल्कुल। तो पांच क्वेश्चन तो पिछले लेक्चर में कर चुके हैं पार्ट वन में हम, और उस लेक्चर में आपने कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी किए थे जिसमें हमने देखा था कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.7। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है और इस बार आपने ही करना है ये, तो आप किया कीजिए बिल्कुल। और 5.7 की बात करते हैं इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 5.7। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, एक बार फिर ऑब्जेक्ट का क्या गिवन है, मास। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना गिवन है आपको, 5 किलोग्राम। इस पर दो फोर्स लगाए गए और परपेंडिकुलर टू ईच अदर पे। एक ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लगाए गए, दो। ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज का मानिए, तो ऐसे मानेंगे जैसे कि ऑब्जेक्ट छोटी सी, इस पर दो फोर्स लगाए गए हैं, एक F1 फोर्स और दूसरा कैसा फोर्स है, F2 फोर्स। दो फोर्स अप्लाई करे गए हैं, इस तरह से अप्लाई किए हैं कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक 6 न्यूटन फोर्स गिवन था और एक 8 न्यूटन गिवन था इस तरह से। तो एक 6 न्यूटन गिवन था और एक 8 न्यूटन गिवन था। तो मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल में 6 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन है, क्योंकि अभी डायरेक्शन तो इनकी कुछ बताई नहीं गई कौन सा किस डायरेक्शन में है। आप अगर 6 न्यूटन को वर्टिकल में मान लेते और 8 को इधर मान लेते तो ऐसा करने से कोई दिक्कत आनी नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं आप किस तरह से दो फोर्स लग रहे हैं, तो दो फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस होना चाहिए, इधर वेलोसिटी होगी, इधर एक्सेलरेशन होगा। और इसकी बात करें तो इसकी वजह से इधर वेलोसिटी होगी, इधर एक्सेलरेशन होगा इस तरह से। लेकिन हमें तो एक एक्सेलरेशन बताना है, इसलिए हम क्या बता सकते हैं, रिजल्टेंट। आप इसमें दो फोर्सेस का क्या फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट। तो थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज की बात आ गई कि दो वेक्टर गिवन हो तो पहले उनका क्या फाइंड आउट करना पड़ रहा हमें, रिजल्टेंट। उसका भी फॉर्मूला है आपके पास, लगाइए। मैंने समय दिया आपको और उस फॉर्मूले को लगाइए, हर सवाल के अंदर भाई पिछले कॉन्सेप्ट जुड़ते जाएंगे तब वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनता जाएगा। तो सबसे पहले बहुत आसान थे, डायरेक्शन पूछ रहा था, उसके बाद पिछले सवाल में आपने देखा एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया फोर्स के लिए, इस बार एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट करना है, पर दो फोर्सेस गिवन है कोई दिक्कत नहीं है। एक वेक्टर ये 6 न्यूटन का, एक वेक्टर ये है 9 न्यूटन का, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो आप ये बता सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा इस तरह से, तो एक रिजल्टेंट इन दोनों का बीच में आ जाएगा इस तरह से। और इसकी वैल्यू कितनी है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, उसके लिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का एक फॉर्मूला सीखा था हमने। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस तरह से दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारे पास, f इज इक्वल टू पहले वेक्टर को, ए वेक्टर की बात करें तो कितना है वो 6 का स्क्वायर प्लस दूसरे 8 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में, थीटा कितना बन रहा है इनके बीच में, cos 90। और cos की वैल्यू 90 डिग्री पर कितनी होती है, 0, ठीक बात। 90 डिग्री पर cos की वैल्यू 0 होती है तो फिर ये वाली टर्म जो है ना लास्ट वाली, ये 0 हो जाएगी ये वाली टर्म। तो 6 का स्क्वायर कितना है, 36, 8 का स्क्वायर कितना, 64, ये वाली टर्म क्या हो गई, 0। तो फिर 36 और 64 का सम कितना हो गया, 100,
रूट से कितना बाहर दिखाएंगे 10 न्यूटन। यानी ये दो फोर्स लग रहे हैं, पर आप ये मत मानिए दो दो की जगह मैंने एक रिजल्टेंट ले लिया कि 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया गया है और किस डायरेक्शन में लगाया गया है यहां मैंने शो किया हुआ इस तरह से। इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा वो तो देख ले पहले कि एक्सेलरेशन कितना होगा इसकी वजह से। तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए आपने फॉर्मूला लगा दिया होगा अब तक, तो आपको पता है कि फोर्स हमारे पास है, मास हमारे पास है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, फोर्स की वैल्यू है 10, मास की वैल्यू कितनी गिवन है 5, और आपका एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन का रहा मैग्नीट्यूड, ये तो एक्सेलरेशन का क्या रहा मैग्नीट्यूड रहा। डायरेक्शन की बात करें तो ये इस तरफ लग रहा था 6 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, इनका एक रिजल्टेंट आ गया है और वो एक रिजल्टेंट जो इनका आया है वो इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं इस तरह से, वो एक डायरेक्शन में जो रिजल्ट आया है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिस तरफ फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है एक्सेलरेशन। ठीक बात, मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मोशन से अपोजिट में एक्सेलरेशन। ठीक बात, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी और एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन बिल्कुल वही होता है जो फोर्स की डायरेक्शन, तो जो इस फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो मान लेते इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल वाले 6 न्यूटन के साथ कितना एंगल बनाया है बीटा, इस एंगल की जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू को क्या मान लेंगे डायरेक्शन। तो ये 10 बीटा लगा देते हैं फॉर्मूला, ये बीटा की वैल्यू बताने के लिए 10 बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, और 10 बीटा का फॉर्मूला होना चाहिए ये परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई बेस। ये वाला वेक्टर अगर 8 न्यूटन दिखाया था इस तरफ, इसके सामने वाला भी 8 न्यूटन होगा क्योंकि पैरेललोग्राम ही तो है, तो ये भी 8 न्यूटन है, तो ये परपेंडिकुलर 8 न्यूटन है और ये बेस कितना है 6। तो 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 8 अपॉन में 6, तो 10 बीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। वैसे तो इस पर एक वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बता रखा है भाई आपको, ठीक बात है, तो इसके वैल्यू कैसे आएगी वो बता रखा है मैंने आपको ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाले तरीके से। बाकी नहीं आ रहा है तो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, जिस भी ऐसी वैल्यू की बात आ जाए जिसके बारे में हमें नहीं पता कि आंसर क्या होगा, तो उस पर आप बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 4/3 ऐसे करके लिख दीजिए। इस तरह से एंगल की क्या बता सकते हैं हम वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम एंगल की वैल्यू बता पाए। तो ये क्वेश्चन नंबर था 5.6 था ये इस तरह से, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा किस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं इस तरह से। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी के ये सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जब आप एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं तो अदर बुक्स के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो बहुत लगभग 80% क्वेश्चन उन अदर बुक्स में एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, तो इनको कवर करने से लगभग बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं सारे के सारे, और बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं ताकि ये तैयारी आपकी हो जाए, फिर और एक्स्ट्रा जितनी भी हमें सब देखें। अगले क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़िए भाई, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये ज़रूर ऑब्जर्व कर पाएं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। द ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36, टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ज़्यादातर बच्चे कर रहे थे पर क्या गलती कर रहे, 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से क्या निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन। ज़रूरत क्या थी कि टाइम सेकंड में गिवन है तो ये स्पीड किस में होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, ठीक बात है।
ऐसी गलती हो रही थी। तो इस क्वेश्चन की बात करें 5.8 की, द ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ऑलरेडी एक गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, मूविंग यानी इस वक्त मूव कर रहा है वो, तो 36 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और सड़क पर उसे दिखाई दिया कि एक बच्चा का रोड क्रॉस कर रहा है या रोड पर है, तो उसने ऑटो पर क्या लगाए हैं, ब्रेक्स। तो जैसी इमरजेंसी में हम एकदम से ब्रेक सप्लाई करते हैं, तो ब्रेक सप्लाई करने का पर्पस क्या है, भाई सामने अगर कुछ आ गया है जिसके जिसको टक्कर लगने पर जो दिक्कत हो सकती है और या एक्सीडेंट हो सकता था, तो हम ब्रेक सप्लाई करने का हमारा पर्पस है कि गाड़ी को रोकना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें ये कहे कि सामने जो है एक ऑब्जेक्ट थी तो रोकने की बात आएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या करनी होगी आपको, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, और ये काम इस ड्राइवर ने कितनी देर के अंदर कर दिया, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर ये काम कर दिया इस ड्राइवर ने, गाड़ी को रोकने का काम इसने 4 सेकेंड में कर दिया। तो इसने ये पूछा कि जब ब्रेक सप्लाई की उसने, तो ब्रेक सप्लाई करने से फोर्स कितना लगाया उसने, अगर जो थ्री व्हीलर था, तो जो थ्री व्हीलर है उसका जो मास गिवन है वो 400 किलोग्राम है, थ्री व्हीलर का मास 400 किलोग्राम है, और इसमें जो ड्राइवर है उसका भी तो मास है और ये है 65 kg। भाई आप कभी अगर इस तरह से देखेंगे, कभी साइकिल चलाने की बात आ जाए या कोई भी टू व्हीलर चलाने की बात आए, आप अगर अकेले चला रहे हैं, ब्रेक्स अच्छे से वर्क करेंगे, आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आसानी से रुक सकती है। लेकिन अगर उतनी ही स्पीड से जो है वो टू व्हीलर आप चला रहे हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या कार या कोई भी चीज़, और उसके अंदर ज़्यादा जो है वो पैसेंजर हैं, राइडर ज़्यादा हैं, तो उस केस में ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आसानी से नहीं रुकेगी, क्योंकि उसका मास क्या हो गया, ज़्यादा, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, उसे ज़्यादा ताकत चाहिए रोकने के लिए। तो फिलहाल तो चलो हमें ये बताना है कि ब्रेक्स ने फोर्स कितना लगाया, फिर वही बात, हमें जो है वो मास को गिवन है कि भाई ये ऑटो और प्लस जो है वो ड्राइवर, तो इन दोनों को मिलाकर जो टोटल मास होगा हम उसे कंसीडर करेंगे, पूरे सिस्टम का मास, और पूरे सिस्टम का मास क्या होगा, M1 प्लस क्या करेंगे, M2। तो जब हम बात करेंगे फोर्स फाइंड आउट करने की, तो हम पूरे मास की बात करेंगे, 400 प्लस 65 पूरे गाड़ी का जो मास हो गया स्पोर्ट्स ड्राइवर के समेत वो 465 हो गया, अगर इसमें कोई पैसेंजर भी होता हम उसे भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक बात है इस तरह से। तो ये बात रही वही इस तरह से कि हमने ये टोटल मास कंसीडर करें। अब हमें ये बताना है कि फोर्स कितना लगाया ब्रेक्स की वजह से, तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, कांस्टेंट फोर्स है ना, जब तक सिंपली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए और मास से मल्टीप्लाई करिए, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स होता, मतलब फोर्स चेंज हो रहा होता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, उसमें हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, dv/dt से, वेलोसिटी का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, उस केस में एक्सेलरेशन आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसे आए, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया भी था हमने जिसमें इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी और उसमें टाइम भी था, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बस इसमें किलोमीटर पर आवर में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो आपने पिछले चैप्टर्स में ये बात पढ़ी है, 5/18 से अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक बात। तो मीटर पर सेकंड में से कन्वर्ट कर लीजिए, 18 × 36 और 25 × 10, तो ये गाड़ी पहले कितनी स्पीड से चल रही थी, SI यूनिट्स में बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड से। ब्रेक्स लगाकर इसे रोकने की जो वो हमारी क्या है पर्पस है, रोकना है इसे, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है, जीरो। टाइम है, फाइनल है, इनिशियल है, न्यूटन की कोई इक्वेशन जो सुटेबल हो एक्सेलरेशन के लिए, v = u + at, फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, इनिशियल 10 है, एक्सेलरेशन जानना है, टाइम 4 सेकंड है, 10 इधर आकर माइनस हो गया है, = 4a है, और इसे सॉल्व करेंगे, -10/4 मतलब -5/2, कहने का मतलब
-2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है इसके अंदर एक्सेलरेशन। तो ये इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू है -2.5। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, माइनस का क्यों आया है, क्योंकि स्पीड क्या करी उसने, डिक्रीज, ये रिटार्डेशन है इस तरह से। अब इतने एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स कितना लगा होगा, उसका फॉर्मूला है F=ma, टोटल मास कंसीडर करना होगा आपको, 465 है वो, और ये आपका कितना है -5/2, -5/2 रख देता हूँ मैं, कैलकुलेशन जल्दी होगी यहाँ पर, -2.5 भी रख सकते थे आप कैलकुलेट करने के लिए, 5/5 = 25 और कैरी 2, 5/6 = 30 और 2/32 = 2 carry 3, 5/4 = 20 23, तो -2/3 = 5/2, तो 2/1 = 2, 2/1 = 2, 2/6 = 12, 2/4 = 4, 2/5 = 10, तो -1162.5 न्यूटन का क्या लगेगा फोर्स। माइनस साइन क्या बता रहा है, ये मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाया हमने फोर्स, ये रिटार्डिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, रिटार्डिंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन आने का मतलब स्पीड डिक्रीज हुई है, और स्पीड डिक्रीज होने का मतलब रिटार्डेशन, तो ये रिटार्डिंग फोर्स लग रहा था इसमें, इतनी बात हम इसमें बता देंगे। हमसे फोर्स पूछा गया था कि कितना फोर्स अप्लाई कर कर वो रोक लेगा इसको, इस फोटो को उस बच्चे से टकराने से पहले, तो इतना फोर्स अप्लाई कर कर वो इसे रोक पाएगा, तो इस तरह से हम ये बात बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रॉकेट से रिलेटेड है, इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग 22-23 के सिलेबस में तो हम रॉकेट वगैरह तो पढ़ नहीं रहे हैं, हालांकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, सॉरी मतलब एप्लीकेशन है जो रॉकेट है, पर ये सवाल सिंपल है, ये सवाल सिंपल है, इसमें हम दूसरे नेट फोर्स के जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं के तरीके से हो जाएगा ये, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5.9 को देखेंगे, और नौवा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, नाइन्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास, लिफ्ट ऑफ मास का मतलब क्या है, कि एक रॉकेट जो है उसका, उसके अंदर फ्यूल भी है और जो रॉकेट है उसका भी वेट हो गया है, तो इस तरह से एक रॉकेट की बात कर रहे हैं, तो जो रॉकेट है उसको बनाया गया है किसी भी जो वो मेटल का बनाया गया था, तो वैसे हमारी कोशिश क्या रहेगी, हम एल्युमिनियम जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, या आजकल तो और भी टेक्निक्स हैं कि ताकि ये हल्का रहे। एल्युमिनियम कैसा होता है, लाइट होता है, तो एक तो रॉकेट का अपना मास है, ऊपर से इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्यूल भी भरा हुआ है, जैसे जैसे फ्यूल ख़त्म होता जाएगा इसका मास भी क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक बात है। रॉकेट कैसे काम करता है भाई, जब इसके अंदर से फ्यूल बर्न होगा तो फ्यूल क्या करेगा, जो स्मोक रिलीज करेगा एग्जॉस्ट, जैसे बैलून, अगर बैलून फुला रहे हैं हम और उसको बिना बांधे अगर रिलीज कर दें, बैलून भागेगा एकदम से, क्यों, क्योंकि बैलून के अंदर से एयर किधर आ रही है, बाहर, तो एयर बाहर आने के लिए किस पर फोर्स लगा रही है, बैलून पर, बैलून एयर पर फोर्स लगा रहा है और एयर किस पर फोर्स लगा रही है, बैलून पर, तो एयर बैलून पर फोर्स लगाकर बाहर की तरफ आ रही है, तो बैलून एयर पर फोर्स लगाकर किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक बात है। इस तरह से दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स, टोटल मोमेंटम, भाई बैलून अगर आपके हाथ में था तो वो रेस्ट पर था, एयर भी रेस्ट पर थी, टोटल मोमेंटम कितना था, जीरो। जैसे ही बैलून को रिलीज करेंगे, बैलून आगे जाएगा, एयर अपोजिट में आएगी, मोमेंटम दोनों का क्या रहेगा, सेम, मतलब दोनों का नहीं, पूरे बलून का एयर के साथ मिलाकर पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये कैसे फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस, कैसे फोर्सेस हैं ये, इंटरनल, जितने मोमेंटम से बलून आगे जा रहा है उसी मोमेंटम से जो एयर है वो भी अपोजिट में आएगी, ताकि टोटल मोमेंटम अभी भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। तो ये रॉकेट है, तो इसके अंदर जब ब्लास्ट होता है तो जो एग्जॉस्ट है, तो जो एग्जॉस्ट है वो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे,
तो ये जो एग्जॉस्ट है ये इस रॉकेट के ऊपर क्या लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स, उसी फोर्स की वजह से रॉकेट किधर भागता है, ऊपर की तरफ। तो जो जब इसको लिफ्ट किया जा रहा है, इस रॉकेट का जो मास है वो कितना है, 20,000 किलोग्राम। तो 20,000 किलोग्राम इसका मास है, और कितने एक्सेलरेशन से इसे ऊपर भेजना चाहते हैं भाई, कितने एक्सेलरेशन से इसे ऊपर भेजना चाहते हैं हम, वो एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनर्शियल थ्रस्ट एक्सर्टेड ड्यूरिंग द ब्लास्ट, यानी जब इसके अंदर फ्यूल को क्या किया गया, बर्न किया गया, ब्लास्ट हुआ, तो अंदर जो ब्लास्ट होगा, तो अंदर फ्यूल जब जलेगा, तो उस ब्लास्ट की वजह से एयर किधर की तरफ जो फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ऊपर की तरफ, ठीक है, उस फोर्स की वजह से ये ऊपर जाएगा, और जो अंदर एयर है वो इस पर फोर्स लगा कर किधर आना चाहेगी, बाहर। तो जैसे बुलेट फायर करते हैं, बुलेट आगे जाती है तो गन किधर आती है, पीछे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर क्या लगाया, फोर्स, ठीक इसी तरह से। तो चलिए बाद में जो वो सारी चीजें, फिलहाल सिर्फ फोर्स की बात कर लेंगी। तो आप ये देखिए कि इतना फोर्स लगाना जरूरी है कि इसके वेट को भी ऊपर उठाना है भाई, ग्रेविटी, इस रॉकेट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ कितना होगा फोर्स भाई, एमजी, कि इस रॉकेट का वेट किधर की तरफ है, डाउनवर्ड, और इसके ऊपर ब्लास्ट की वजह से ऊपर की तरफ क्या लगा, फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर गया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से किधर गया है, ऊपर गया है, सही बात है। आपने सिर्फ नेट फोर्स की इक्वेशन बनानी है, जैसे हम पुली में बनाते थे, जैसे हम लिफ्ट में बनाते थे, जैसे हम टेंशन के क्वेश्चंस के अंदर बनाते हैं, ठीक है बात। तो इसी तरह से बनाने की कोशिश की जाए कि इसमें आप ये कोशिश करिए कि इक्वेशन किस तरह से बन सकती है, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। लिफ्ट में क्या करते थे भैया, एम जी डाउनवर्ड होता था और ऊपर की तरफ क्या होता था, रिएक्शन फोर्स होता था, और फिर या तो ये एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही थी, या फिर ये एक्सेलरेशन से किधर जा रही थी, नीचे। ये किधर जा रहा है रॉकेट, ये बताइए आप भाई, ऊपर जा रहा है, कौन से फोर्स को पहले लिखोगे फिर आप इसका मतलब, एफ, कि भाई इसमें ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगाया, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो बस, तो फिर ऊपर की तरफ गया तो पहले आपने एफ लिख लिया, बहुत बढ़िया। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, अपोजिट, इसका वेट तो किधर की तरफ है, डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसे रोक रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस कर दो, किसको, mg को, ये दो ही तो फोर्स है इसके ऊपर, एक जो ऊपर की तरफ लगाया है जब हमने ब्लास्ट किया इसके अंदर, एक नीचे की तरफ लगा है जो हमेशा ही लग रहा था, mg है इसका, तो ऊपर की तरफ f और अपोजिट में माइनस कर दिया mg, और इज इक्वल टू किसके लिखा जाए, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक बात है। अब F चाहिए था आपको, तो mg को यहां से इधर भेज दीजिए प्लस, ऐसा करेंगे तो mg प्लस में क्या हो जाएगा, ma, F is equal to m कॉमन ले लो और g प्लस क्या हो जाएगा, a, यानी इतना फोर्स तो लगाना ही है कि भाई इसके mg को क्या कर सके, बैलेंस, जितना इसका वेट है, और इतना एक्स्ट्रा और लगाना है कि इसके अंदर क्या हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सके। तो इस वजह से F is equal to m g plus a था, तो F is equal to मास कितना गिवन था इसका, 20,000, g की वैल्यू कितनी दी मान लीजिए हमने, 10, और प्लस में इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाले हैं, 5, तो 10 प्लस 5 कितना होगा, 15, 15 टू जा कितना होगा, 30, और पहले से ये 4 जीरो है, 30 × 10⁴ या फिर 3 × 10⁵ न्यूटन, इतना फोर्स और ऊपर की तरफ लगेगा, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट का मतलब जो ऊपर की तरफ लगे, जैसे बायंस फोर्स हो गया, और इस ब्लास्ट में जो फोर्स लगा वो ऊपर की तरफ लगा है, अप थ्रस्ट है वो। तो इस तरह से इस फोर्स की वैल्यू इतनी होगी और ये ऊपर की तरफ लगेगा, तब इसके अंदर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन क्लियर है, पक्का क्लियर है। जब मैं कम से कम इस एक एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद एक टेस्ट लूंगा ना, जब तब इन्हीं क्वेश्चंस का, मतलब सिर्फ यही क्वेश्चंस का,
जो कराए गए हैं इन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे और आपने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी कर लेता है इसका मतलब भाई उसने बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर लिए हैं और बाकी तो फिर आपको बहुत आसान लगेंगे। तो ये एनसीईआरटी ऐसे नहीं बनाता सवाल भाई कि पहले इजी क्वेश्चन दे दिया फिर थोड़ा सा मुश्किल दे दिया, ना ये स्ट्रेटजी नहीं है। सीधा कोई भी क्वेश्चन पहले दिया जाता है, कोई भी बाद में, कैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी सोल्व कर लेता है ना एक बार एक पैटर्न में, उसको दिक्कत नहीं आएगी किसी में भी, और नीट की 60-65% के आसपास तैयारी हो जाती है जो 11-12 दोनों की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेगा। अगला क्वेश्चन भाई पेपर में आया है और ज़्यादा स्कूल्स में तो खैर नहीं आता, लेकिन हाँ दिया जरूर गया है और आ जाता है कभी कभी, तो आ जाता है तो हम करेंगे, है इम्पोर्टेंट। बस लिखने का तरीका आसान भी है, लिखा इस तरीके से जाता है कि कई बार लैंग्वेज समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट का मास गिवन है आपको और आप क्वेश्चन जरूर पढ़ें खुद से कि अच्छा क्या क्वेश्चन में क्या क्या बातें कही गई हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.40 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में जब मतलब हमने ऑब्जर्व किया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी नॉर्थ की तरफ, तो ये इतनी स्पीड से टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चल रही थी इस तरफ, और एक कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर लगाया जाता है, फोर्स इसके ऊपर 8 न्यूटन का लगाया जाता है, और ये फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ, मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स साउथ मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। कितने टाइम के लिए लगाया जाता है? 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए एक फोर्स लगाया गया है जो मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है। अब आपसे ये पूछा गया है कि टाइम जीरो पर जब मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, आप ये मान लीजिए तब ये ऑब्जेक्ट कहाँ थी? ओरिजिन पर। तो टाइम जीरो पर जब हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर थी? ओरिजिन पर। तो इसके बाद ये बताइए इसकी पोजीशन क्या होगी जब हम बात करेंगे 5 सेकंड, -5 सेकंड पर, 25 सेकंड पर और 100 सेकंड। आपसे ये पूछा गया है पोजीशन, पोजीशन बताइए इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी। पोजीशन एट -5 सेकंड पर कहाँ थी? T=25 सेकंड पर कहाँ पर थी? और T=100 सेकंड पर कहाँ पर होगी ऑब्जेक्ट? इन तीन पॉइंट टाइम नेगेटिव नहीं होता भाई, ये तो बस ऐसे रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है ये समझाने के लिए। टाइम का नेगेटिव में ऐसा कोई मतलब नहीं था कि टाइम नेगेटिव आ गया, यहाँ टाइम की वैल्यू -5 ये बताने के लिए है। हमने फोर्स कब लगाना स्टार्ट किया? T=0 पर जब हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैंने कितनी देर तक फोर्स लगाया? 30 सेकंड तक फोर्स लगाया। -5 सेकंड का मतलब है जब मैंने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया उससे पहले, उससे 5 सेकंड पहले कहाँ थी? ठीक है, ये मतलब है -5 सेकंड का। पहले तो इस तरह से समझिए कि -5 सेकंड का मतलब ये है कि जब मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया इसके ऊपर उससे 5 सेकंड पहले ये कहाँ पर थी, और मैंने फोर्स कब लगाना स्टार्ट किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? टाइम जीरो पर। और जब टाइम जीरो पर मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तब ये कहाँ पर थी ऑब्जेक्ट? ओरिजिन पर, x=0 पर। और ये भी कह रखा भाई कि जब मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया था उससे पहले ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। या तो इसको मान लो नॉर्थ या इसको मान लो नॉर्थ, किसी एक को तो मानना ही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या मान लिया भाई मैंने? नॉर्थ। तो फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्या मान लिया गया? साउथ। तो ये नॉर्थ की तरफ चल रही है। टाइम जीरो पर अगर ये यहां आती है ओरिजिन पर, तो फिर इससे पहले ये कहां पर रही होगी? थोड़ी सी पीछे ही रही होगी इससे भाई। तो इधर से आ रही थी, ये नॉर्थ की तरफ फेस है, अगर इसका नॉर्थ की तरफ चलने का मतलब ऐसे चलती जा रही है इस तरह से। टाइम जीरो पर ये
यहाँ ओरिजिन पर आई है और जैसे ही ओरिजिन पर आई मैंने इस पर एक फोर्स लगाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और कितनी देर तक मैं वो फोर्स लगाऊंगा, 30 सेकंड तक लगाऊंगा। यानी अभी मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, कब, 5 सेकंड पहले। तो टाइम जीरो पर ये यहाँ ओरिजिन पर आने वाली है, तो 5 सेकंड पहले पीछे रही होगी कहीं, यहाँ कहीं रही होगी ये टी बराबर -5 सेकंड पर, यहाँ कहीं रही होगी। और कहाँ पर है ये, उस एक्स की वैल्यू को क्या नाम दे देता हूँ, एक्स वन। वो निकालते थे, वो निकालने के लिए क्या कर सकते थे भैया, वो जानने के लिए टाइम हो, एक्सेलरेशन हो, भाई ये फोर्स गिवन है कितना, 8 न्यूटन का, 8 न्यूटन का फोर्स। और मैंने किधर की तरफ लगाया है, ये साउथ की तरफ। तो ये अभी तो ये फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो 5 सेकंड पहले तो ये नहीं लग रहा था। S is equal to UT plus में half AD का स्क्वायर। तो कितनी पोजीशन होगी, डिस्टेंस इसका क्या रहा होगा, x इज इक्वल टू बराबर है। तो फिर ये अगर टाइम जीरो पर ये यहाँ पर है, 5 सेकंड पहले कहाँ पर थी, स्पीड कितनी है भाई इसकी, 10। स्पीड कितनी देर की थी इसकी, 10, कांस्टेंट स्पीड। और टाइम कितना, -5 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू बराबर कितना आया, -50 मीटर। अगर मैं टाइम माइनस का पुट ना करूँ यहाँ पर, तो मुझे ये पता चलेगा कि 5 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 50 मीटर का, प्लस का आंसर आ जाएगा ना मेरा। तो ये बताने के लिए है कि 5 सेकंड पहले ये यहाँ गई थी पीछे, और 5 सेकंड में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 50। तो 50 ट्रेवल नॉर्थ की तरफ चल रही है ना, तो 50 ट्रेवल कर कहाँ पर आ गई होगी, ओरिजिन पर। ठीक बात, जब मैंने यहाँ पर टाइम की वैल्यू माइनस पुट कर दी, तो जो एक्स आया है वो माइनस का 50 आ गया। कि टाइम जीरो पर अगर ये ओरिजिन पर है, तो 5 सेकंड पहले ये कहाँ पर थी, -50 मीटर पर थी। तो ये यहाँ पर थी -50 मीटर पर। क्या थी, हाँ, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन, ये उस फॉर्मूले से भी आ जाता, डिस्टेंस बराबर किसके लिखा जा सकता, स्पीड इनटू टाइम। और वही है भाई, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन था। और जब ये वाली टर्म जीरो कर देते हैं ना, तो उसको देखो क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो कर दूं ना, तो ये इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी यूनिफॉर्म वाली तो रह जाती है। तो यहाँ पर बात को समझे में इस तरह से, ये पोजीशन आई इसकी इनिशियल पोजीशन, मतलब 5 सेकंड पहले की पोजीशन आ गई इसकी, कि 5 सेकंड पहले ये -5 सेकंड पर कहाँ पर थी, ये केस वन था। और केस वन को सोल्व कर दिया हमने कि ये 5 सेकंड पहले -50 मीटर। अब हमसे पूछा ये 25 सेकंड पर कहाँ होगी, 25 सेकंड का मतलब कहाँ से, यहाँ से, जहाँ से मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। भाई इससे पहले इसका मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म, तो मैंने लगाया डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और इसने 5 सेकंड में 50 मीटर ट्रेवल किया है। तो अगर टाइम जीरो पर ये ओरिजिन पर है, तो -5 पर, यानी 5 सेकंड पहले ये 50 मीटर पीछे थी, -50 मीटर। ठीक है, 25 सेकंड का मतलब कहाँ से, यहाँ से, कि ओरिजिन पर टाइम जीरो था, यहाँ से 25 सेकंड बाद ये कहाँ होगी। अब 25 सेकंड तक इसका जो मोशन है वो कैसा है, एक्सेलरेटेड, कैसा मोशन है, एक्स, क्योंकि अब मैंने क्या लगाना स्टार्ट कर दिया इस पर, फोर्स। तो फिर जब ये ओरिजिन पर आई, तब मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया 8 न्यूटन का। तो फिर आप केस टू की बात जब करना चाहते हैं, केस टू की बात हम करना चाहते हैं, तो केस टू के अंदर आप ऐसे देखिए कि भाई इस पर फोर्स लगाया गया है और मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना लगाया गया है इस पर, माइनस का 8। भाई साउथ में लगाया ना, तो डायरेक्शन शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, फोर्स मैंने साउथ की तरफ लगाया, तो मैंने नेगेटिव पुट कर दिया। और इसके बाद मास कितना है, 0.4 इंटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है -8/0.4, डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 80/4, अब 4 × 8 -20 m/s² का क्या आ गया, एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन के साथ अगर ये चलेगी, तो 25 सेकंड बाद कहाँ होगी भी देखते हैं, टाइम जीरो पर ये कहाँ पर है, ओरिजिन पर।
तो जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लगाइए। भाई न्यूटन की इन इक्वेशंस में s डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है अपने आप पोजीशन आ जाएगी सम। तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, x2 निकाल रहे हैं मतलब पोजीशन निकाल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10, प्लस की क्यों रख रहा हूं भाई, नॉर्थ की तरफ थी, किधर की तरफ, ये नॉर्थ, ठीक बात। तो प्लस की वेलोसिटी कितनी देर बाद पूछ रहा है, 25 सेकंड के बाद पूछ रहा है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 20 है, और टाइम यानी 25 का क्या कर देते हैं स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, कैलकुलेशन करिए, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250, ये 2 के टेबल में यहां पर क्या आ जाएगा 10 माइनस का, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 के साथ 10 और लगाएंगे 6250, इसमें से 250 माइनस कर देंगे तो माइनस का 6000 मीटर में। 25 सेकंड बाद इसकी पोजीशन है माइनस 6000 मीटर, मतलब माइनस का 6 किलोमीटर, ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस का 6 किलोमीटर। इसका मतलब ये था कि देखो ये माइनस में क्यों चला गया, साउथ में चला गया, बिल्कुल साउथ में कैसे चला गया भाई, ये बिल्कुल ये जा तो नॉर्थ की तरफ रहा था, नॉर्थ की तरफ चलता रहा जब ओरिजिन पर पहुंचा तब 20 की स्पीड कितनी थी 10, यहां आने के बाद इस पर क्या लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने फोर्स, जो अपोजिट में लग रहा था पहले तो उस 10 की स्पीड को थोड़ी देर में क्या कर देगा जीरो, और फिर यहां से किधर आ जाएगी रिटर्न, जैसे एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है पहले ऊपर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो, और फिर दोबारा किधर आ जाती है नीचे, तो इस तरह से ये आगे चलती गई एक जगह जाकर वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, और फिर वहां से किधर आ गई वापिस, और इतनी देर तक फोर्स लगाता रहा मैं तब तक ये चलती रही अपोजिट में चलती रही भाई, अपोजिट में इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, पहले ये रिटार्डेशन था लेकिन जब ये आगे जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई फिर तो ये दोबारा से पीछे आने लग गया, तो ये क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया इसके अंदर, अब इसकी स्पीड क्या हो रही होगी इंक्रीज हो रही होगी, और 25 सेकंड बाद ये कहाँ पहुंचा, ये फर्स्ट वाली टर्म को मैं रफ कर लेता हूँ, यहाँ से आपने लिख दिया होगा, यहाँ से चलते इधर कहीं दिखा देते हैं ऐसे कि x2 यहाँ कहीं आ गया है माइनस 6000 मीटर पर आ गया, ऐसे माइनस 6000 मीटर पर आ गया, ठीक बात है भाई। तो इस तरह से आ गए हो, तो फिर अब हमसे पूछा गया है 100 सेकंड पर ये कहाँ होगा, तो 25 सेकंड बाद ये कहाँ पर है माइनस 6000, अभी तो 5 सेकंड और बाकी हैं, जब मैंने क्या लगाया फोर्स, क्या लगाया है फोर्स, भाई फोर्स की बात को अगर ठीक से समझेंगे आप, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया जिसकी वजह से माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि ये साउथ की तरफ फोर्स लग रहा था, तो ये फोर्स कितनी देर तक लगाया था मैंने 30 सेकेंड, तो 25 सेकंड का पूछा था यानी 25 सेकंड तक तो फोर्स लग रहा है, तो 0 से 25 सेकंड के बीच में कैसा मोशन था एक्सेलरेटेड, और ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी पोजीशन, 0 से पहले की 5 सेकंड जो थी तब तक तो फोर्स लगाया ही नहीं था, तो ये यूनिफॉर्म मोशन था, तो स्पीड इनटू टाइम कर दिया था, और ये कितना आ गई थी पोजीशन -50 आ गई। 100 सेकंड के लिए जब इसने पूछा है ना तो क्या करना पड़ेगा, 25 सेकंड तक तो ये काम पहुंच गया, पहले ही देख लिया आपने 6000 सही बात, या फिर 30 सेकंड का निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30 सेकंड तक तो क्या लगा है फोर्स, और 30 सेकंड के बाद क्या नहीं है फोर्स नहीं लग रहा, फिर उसके बाद मोशन कैसा हो गया होगा यूनिफॉर्म। तो फिर अगली 75 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 25-30 सेकंड के बाद इसकी, सॉरी 70 सेकंड का निकालेंगे तो 30 सेकंड के बाद की क्या पता करनी पड़ेगी, इसकी स्पीड पता करनी पड़ेगी, ठीक बात है, फिर से बताता हूँ मैं, पहले तो क्या फाइंड कर लेते हैं, देखो यहाँ से रफ कर रहा हूँ, 100 सेकंड का जब हमें बताना है तब ज़्यादा सोचने वाली बात है, कैसे कि भाई 100 सेकंड में पहली 30 सेकंड तो ऐसी है जिसमें क्या लग रहा था फोर्स, और मोशन कैसा था एक्सेलरेटेड, तो पहले 30 सेकंड का डिस्टेंस निकालते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस फोर फर्स्ट 30 सेकंड, फोर फर्स्ट 30 सेकंड सोचते हैं पहले, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बराबर है x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई इसकी 10, टाइम कितना पुट कर दिया मैंने 30, प्लस का हाफ
एक्सेलरेशन कितना आया था माइनस का 20 और 30 का क्या कर दो स्क्वायर, तो ये हो गया 300 और ये 2 के टेबल में 10 पर जाएगा और ये भाई आपके पास 30 का स्क्वायर कितना आएगा 900 और 900 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 9000। 9000 में से 300 माइनस करूंगा तो माइनस का 8700 मीटर। पहली 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस आया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आया है माइनस का 8700 इधर कहीं, तो 25 सेकंड तक अगर ये 6000 रुपया रखा था तो फिर ये 25 सेकंड तक यहाँ रखा था इस तरह से, तो 30 सेकंड तक ये और आगे आ गया है और ये आ गया है माइनस 8700 मीटर पर। और अब अगली 70 सेकंड तक 100 में से 30 सेकंड तक तो इसके ऊपर क्या लगा है फोर्स और ये मोशन कैसा था एक्सेलरेटिव, पर अब 30 सेकंड के बाद अगली 70 सेकंड जो है ना 70 उस वक्त इसका मोशन कैसा है यूनिफॉर्म, क्योंकि फिर मैंने फोर्स लगाना क्या कर दिया बंद। तो अगली 70 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ स्पीड इनटू में टाइम, बट स्पीड पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए स्पीड। तो 30 सेकंड बाद की क्या निकालते हैं इसकी स्पीड निकालते हैं, और 30 सेकंड बाद की इसकी स्पीड कितनी रही होगी, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं भाई, एक्सेलरेशन हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए। 30 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 और एक्सेलरेशन कितना था माइनस का 20 और हमें क्या चाहिए है टाइम, टाइम कितना था हमारे पास 30 सेकंड, तो फिर 10 तो 10 है ही और ये माइनस का कितना हो गया 600, माइनस के 600 में से 10 जाएगा माइनस का 590 मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड के बाद इतनी वेलोसिटी हो गई इसकी, और 30 सेकंड के बाद अगर इसकी इतनी वेलोसिटी हो गई है तो अब हम कौन सा फिर से कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं एस वाली, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस इन नेक्स्ट 70 सेकंड, अगली 70 सेकंड के लिए मोशन यूनिफॉर्म है भाई और यूनिफॉर्म है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा जीरो। वेलोसिटी कितनी हो गई है इस 30 सेकंड के बाद माइनस 590 और 70 सेकंड तक चलेगा तो 20 79 जा 63 कैरी 6 75 जा 35 और 6 कितना हो जाएगा 41 माइनस 41,300 मीटर। ये 70 सेकंड में ट्रेवल किया है और पहले से ही ओरिजिन से कितनी आगे आगे बैठा हुआ ये देखना, मैंने यहाँ पर ही ओरिजिन नाम दिया था, इस ओरिजिन से कितनी आगे आगे बैठ गया था 30 सेकंड में, ये रहा इसमें प्लस कर दीजिए भाई नई पोजीशन, पोजीशन नंबर 4 क्या होगी माइनस का 41300, तो यहाँ से आगे से ट्रेवल किया है 70 सेकंड में और पहले 30 सेकंड तक फोर्स लगा था इसके ऊपर उसमें यहाँ के बैठ गया था माइनस 8700, तो दो बार जीरो तो जीरो जीरो, 7 और 3 10 की 0, 8 9 10 की 0 कैरी 1 50,000 मीटर, यानी 1000 से अगर डिवाइड कर दूं तो 50 किलोमीटर। तो ये यहाँ से कितनी दूर जाकर बैठ गया अभी 100 सेकंड के बाद माइनस 50 किलोमीटर दूर पहुँच गया है और अभी भी अगर कोई नहीं रोकेगा तो चलता ही रहेगा इस तरह से। ठीक बात है, बहुत कुछ जानने को था सीखने को था इस सवाल में और आपने जानी भी है सीखी भी है भाई बहुत सारी बातें, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में आएंगे ठीक है।